हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 9 सितंबर 2020 करंट अफेयर है, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। टॉप 20 क्वेश्चन हम द हिंदू, पीआईबी, जो आपका इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे सोर्सों से लेकर आते हैं। डेली 8 बजे आपकी क्लास होती है, सुबह 8 बजे आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे 9 सितंबर करंट अफेयर का, वो ये है कि किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह, किस केंद्र शासित या राज्य सरकार ने, दोनों ऑप्शन दिए। तो 10 सप्ताह के एंटी डेंगू अभियान को 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नाम दिया है। तो ये जो एंटी डेंगू अभियान है, ये जो है 10 सप्ताह का अभियान है, ये नाम दिया है आपका दिल्ली गवर्नमेंट ने। किसने? दिल्ली, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि सीएम है यहाँ के केजरीवाल, और यहाँ के जो गवर्नर है वो अनिल बैजल है। अब ये क्या है, 10 वीक का एंटी डेंगू कैंपेन, जो 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट इसका नाम रखा गया है। तो ये क्या होगा, जो आपके बैक्टीरिया जनित रोग हैं, जो बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं, जिनमें आपके दो रोग शामिल हैं, डेंगू और चिकनगुनिया, तो इनकी रोकथाम के लिए जो है वो 10 वीक या 10 सप्ताह जो है एंटी डेंगू अभियान चलेगा। तो इसका नाम इन्होंने दिया है 10 हफ्ता 10 बजे और 10 मिनट। तो ये याद रखना है इसके बारे में। अब बात करें दिल्ली हाल ही में रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि रोजगार बाजार, तो रोजगार बाजार जो है वो दिल्ली का है, लेड पोर्टल दिल्ली ने ओपन किया था ये, ठीक है। कोविड-19 के लिए 5T ऑपरेशन जो है वो कहाँ का है, दिल्ली का है, ऑपरेशन सील्ड जिसको बोलते हैं। और SS कोरोना जो है वो भी आपका दिल्ली का है। देखिए एक एक पॉइंट जो है आपका, एक एक क्वेश्चन होगा, तो इसलिए सबको नोट करते चले। आयुरक्षा ये दिल्ली पुलिस, ठीक है। इसके बाद प्लस आई यानी कि आयुरक्षा जो था वो दिल्ली पुलिस और AIA दोनों ने ओपन किया था। इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, देखिए ये तो क्वेश्चन आपका बनने वाला है किसी ना किसी सेप्ट में, तो इसको तो आप नोट ही कर लें। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये कहाँ का है, दिल्ली का। KBIC फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, खादी विलेज की बात हो रही है, तो ये जो फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर है ये भी आपका दिल्ली में। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहाँ का है, दिल्ली में है। ये कहा कि जब कोविड-19 पे घर घर जो है राशन पहुंचाया गया था उसका है। द कंट्री फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग प्लाजा कहाँ का है, दिल्ली का है। मुकरवा चौक का नाम बदल के कैप्टन विक्रम बत्रा चौक रखा गया था, ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में है। फर्स्ट एवर व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई दिल्ली के किशनगंज से लेके जिरानिया के त्रिपुरा तक, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिल्ली से आपसे पूछी जाएंगी। तो जो है आपका 10 हफ्ते का एंटी डेंगू अभियान जो है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट जिसका नाम दिया वो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। फाडा के 35वें अध्यक्ष यानी कि 35 जो चेयरमैन बने हैं या प्रेसिडेंट जो बने हैं वो किससे नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा गया। तो ये जो बने हैं ये आपके हैं बिकेश गुलाटी, कौन है, बिकेश गुलाटी को फाडा का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया, उसको चेयरमैन बनाया गया। तो अभी फाडा क्या है, फाडा है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, ऑटोमोबाइल बेस्ड ये कंपनी है। तो ये जो फाडा है ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना हुई थी 1964 में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अब इसके बारे में बात करते हैं, जो बिकेश गुलाटी हैं वो 2020 से लेकर 2022 तक जो है फाडा के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है बिकेश जो है वर्तमान में अभी क्या है, फाडा के अध्यक्ष आशीष हर्ष राज काले की जगह लेंगे। तो अभी फाडा के अध्यक्ष कौन थे, हर्ष राज काले थे, अब उनकी जगह कौन आ गए, बिकेश गुलाटी आ गए। तो आपको याद रखना है फाडा के नए 35वें अध्यक्ष कौन है, बिकेश गुलाटी हैं। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की किस सिटी को पहली वर्ल्ड वॉर टू हेरिटेज सिटी घोषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, अब उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड टू हेरिटेज सिटी जो घोषित किया है वो आपकी बिलिंगटन। तो बिलिंगटन पहले तो कहाँ है, अगर लोकेशन में देखें तो ये आपकी अमेरिका के जो है, जो अमेरिका है उसके अमेरिका कैलिफोर्निया का जो हिस्सा है उसकी नॉर्थ सिटी ये मानी जाती है, ठीक है। तो नॉर्थ हिस्से में ये सिटी है और यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की हेरिटेज सिटी यानी कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार टू हेरिटेज सिटीज को घोषित किया गया। अब इसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर घोषणा की है। याद रखना ये फर्स्ट मतलब पहली सिटी है, लेकिन वर्ल्ड वार कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड वार है। तो 2 सितंबर को क्या होगा, 2 सितंबर को जो 75वीं वर्षगांठ है तो उसकी घोषणा में ये जो सिटी होगी उसको हेरिटेज सिटी घोषित किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो उत्तर कैरोलिना जो है, तो उत्तर कैरोलिना में सिर्फ बिल्डिंग कंपनी जो है उसको ये भी काम दिया जाएगा कि 5 वर्षों में वो 273 जहाज बनाएगी। कितने जहाज बनाएगी, कितने शिप का निर्माण करेगी, 243। तो ये भी यहाँ पर लक्ष्य इन्होंने रखा है। इसके बाद चलते हैं, तो आपको याद रखना है जो पहली वर्ल्ड वार टू हेरिटेज सिटी कौन सी बनने जा रही है, बिलिंगटन बनने जा रही है। कौन सी, बिलिंगटन।
नेक्स्ट जो है लॉन्च पुस्तक इन्वर्टोनॉमिक्स के लेखक कौन है, तो हाल ही में एक इन्वर्टोनॉमिक्स पुस्तक लॉन्च हुई, बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके गुरमीत सिंह चौहान, तो गुरमीत सिंह चौहान जो है इसके लेखक है। अब बात करते हैं जो गुरमीत सिंह चौहान ने जो इन्वर्टोनॉमिक्स लिखी है इसका, जैसे आप इसको आगे पढ़ सकते हैं, इसके में 8 आइडियाज़ टू ट्रांसपोर्ट इंडिया ये भी दिए गए, तो आप देख सकते हैं इसका बुक का जो टाइटल है इस टाइप से। अब ये गुरमीत सिंह जो चौहान ने ये बुक लिखी है, इनको 6 साल लगे हैं इस बुक लिखने में, कितने साल लगे हैं, 6 साल लगे हैं। तो इसमें जो है अलग अलग मुद्दों में 8 आइडियाज़ दिए गए हैं। अब ये है किस पे बेस्ड, तो इसमें ये दिया गया है कि जो शिक्षा होती है, ठीक है, इसके बाद जो स्वच्छता के लिए जो सार्वभौमिक पहुंच है, जो स्वच्छता के लिए अभियान जो था हमारा, स्मार्ट कचरा प्रबंधन, महिलाओं के लिए सुरक्षा, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें शामिल है, ठीक है, यात्रा, पैदल यात्रा, जो भी आपका जो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें शामिल है। अब ये 6 साल लग गए इनको लिखने में, तो ये दैनिक जीवन के आम मुद्दों पर भी है, ठीक है, जो आपके डेली बेसिस के जो रूटीन्स होते हैं आपके उनके मुद्दों पर ये बेस्ड बुक है। अब आपसे एक और चीज़ पूछी जाती है कि इसके पब्लिशर कौन है, इसको किसने पब्लिश किया, तो ये हार्पर कॉलिंस जो है, हार्पर कॉलिंस जो है इसके द्वारा जो है पब्लिश की गई है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने देश का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो लॉन्च किया है, तो जो एनजोगो फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप है ये लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने, क्यों लॉन्च किया है किरण रिजिजू, किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री है, ठीक है, खेल जो आपके स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्टर जो है वो आपके किरण रिजिजू हैं, इन्होंने ऑनलाइन वेबिनार, ये क्या है ऑनलाइन वेबिनार, तो इस ऐप में क्या होगा, जो बच्चे होते हैं, जो आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जी, आप देख सकते हैं इमेज में, इनको क्या मिलेगा, फुटबॉल प्रशिक्षण मिलेगा, फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाएगी, फुटबॉल के बारे में जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं, स्किल जो होती हैं वो सिखाई जाएंगी। अब इस ऐप में एक और चीज़, एडिशनल चीज़ ये है कि इस ऐप में जो पेशेवर फुटबॉल है, यानी कि जो ऑलरेडी फुटबॉल खेलते हैं, जो फुटबॉल खिलाड़ी इंटरनेशनल, चाहे जो आपके नेशनल, हमारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी जो नेशनल खिलाड़ी जो नेशनल टीम में हमारी खेलते हैं, उनको भी यहाँ पर जानकारी इसमें प्रोवाइड की जाएगी, सुविधाएँ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, तो ये खेल के प्रति जागरूक, जो आपका फुटबॉल है उसके प्रति जागरूक करने के लिए जो एनजोगो है वो बच्चों के लिए यहाँ पर ओपन किया गया है। किसने किया, खेल मंत्री हमारे जो है किरण रिजिजू ने किया। इटली देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजदूत से क्वेश्चन आपका एक जरूर बनता है, तो इटली में जो आपके अब राजदूत बन गए वो नीना मल्होत्रा बन गए, कौन, नीना मल्होत्रा बन गए। अब जो नीना मल्होत्रा है पहले जो थे ये आपके अमेरिका के भी जो है राजदूत रह चुके हैं, आपके जो अमेरिका बाहर, और अमेरिका में भी कौन सा दूतावास था, कौन सा एम्बेसी थी, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब होता है, वाणिज्य मतलब होता है कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल जो एम्बेसडर थे ये पहले रह चुकी हैं नीना मल्होत्रा। अब क्या हुआ है कि अब जो है वर्तमान में भारत की तरफ से जो इटली गणराज्य की राजदूत बन गई हैं, ठीक है, इटली रिपब्लिक की। अभी देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि जो अभी क्या है, जो विदेश मंत्रालय के इनको जो आपका जो फॉरेन जो आपका मिनिस्ट्री है उसमें ये अभी अतिरिक्त यानी एडिशनल जो सचिव है, एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में भी कार्यरत है, तो ये दो काम करेंगी, एक तो अब विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में, और एक अब जो इटली देश की जो है न्यू एम्बेसडर ये बन गई हैं, ठीक है, ये 1992 की IAS अधिकारी थी, ये भी आपको याद रखना है। अभी 2015 में जो इंडो पैसिफिक डिवीजन हुआ था, जो अभी आगे होने जा रहा है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो जो इंडो पैसिफिक डिवीजन हुआ था उसकी भी जो हेड थी वो ये नीला मल्होत्रा थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, किस देश ने पूर्व PM खालिदा जिया को 6 महीने की जेल की सजा का निलंबित किया है, तो अभी हाल ही में क्या 6 महीने की जेल की सजा जो है उसको निलंबित कर दिया गया है। ये PM जो है वो बांग्लादेश की हैं और ये पूर्व PM थी, इनका नाम है खालिदा जी, आपको नाम याद रखना, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो ये बांग्लादेश की है। अब ये सर क्यों किया, देखिए क्या हुआ था कि एक इन पर केस हुआ था, अनाथालय जो ट्रस्ट होता है तो उसमें इन्होंने जो है घोटाला कर दिया था, तो उसमें जो इन्होंने घोटाला किया था उसकी वजह से इनको 5 साल की सजा सुनाई गई थी। अब क्या हुआ है कि इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो स्वास्थ्य खराब होने के 6 महीने की जो जेल है इनकी निलंबित कर दी गई है। 2017 में एक केस हुआ था अनाथालय ट्रस्ट का, 5 साल की सजा इनको सुनाई गई थी, अभी ये इनकी तबीयत खराब होने के कारण 6 महीने तक जो है ये अब सजा को, ये जो इनकी जो आगे की सजा है उसको निलंबित कर दिया 6 महीने के लिए, ठीक है। अब ये 2018 ये एक चेयरपर्सन भी थी BNP की चेयरपर्सन भी थी, ठीक है, 2018 से जेल काट रही, 2017 में इनको सजा सुनाई गई थी, ठीक है, तो आपको याद रखना ये चीज़ें, कहाँ की हैं PM खालिदा जिया, ये आपकी हैं बांग्लादेश की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वावेम रोजगार योजना को पुनः लॉन्च किया, तो किस राज्य सरकार ने फिर से जो है आपकी स्वावेम योजना, रोजगार योजना को लॉन्च कर दिया गया, तो सबसे पहले तो ये जो सरकार है ये असम सरकार है।
अब असम सरकार ने इसको फिर से लॉन्च किया, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। सुबिम का फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद आपका असम यूथ एम्पावरमेंट आपकी योजना, ठीक है। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म है, ईएम का होता है एम्पावरमेंट, ठीक है। अब ये जो योजना है ये क्या है, ये रोजगार से आपको समझ आए, रोजगार से रिलेटेड ये योजना होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हर एक जो युवा होता है जो यो रोजगार जिसको हम देंगे, तो उसको क्या है अपना सेटअप करने के लिए, अपना व्यवसाय खोलने के लिए, ठीक है आपका, तो उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने, हर एक युवा को 50,000 यहाँ पर दिए जाएंगे। अब 50,000 रुपये दिए जाएंगे तो टोटल इस योजना में कितना फंड है, टोटल इस योजना में फंड है 1,000 करोड़। कितना, 1,000 करोड़, यानी कि एक जो बेरोजगार है उसको 50,000 रुपये यहाँ दिए जाएंगे। 1,000 करोड़ टोटल यहाँ पर क्या है फंड है इसका। अब ये जो रोजगार, ये स्वयं रोजगार योजना है, ये 16 सितंबर को हर एक ये पोर्टल से लॉन्च कर दी जाएगी असम राज्य सरकार द्वारा। 16 सितंबर जो आने वाला है उस 16 सितंबर तारीख से ये लॉन्च कर दी जाएगी, सबको यहाँ पर इसका फायदा मिलने लगेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया का पुस्तक का विमोचन किसने किया। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया का जो विमोचन किया है वो किया है आपका वेंकट नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकट नायडू, उन्होंने जो है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया का जो है पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें जो भी जो बच्चों की जो भी विकास के लिए, जो उनको किसी भी, जैसे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, 6 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां होती हैं, उनको विकास करने के लिए, उन चीज़ों को रोकने के लिए जो स्वास्थ्य उनका खराब हो जाता है, तो उसके लिए जो है इस पुस्तक में इसमें बताया गया है, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड बेस्ड है आपकी 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि कभी कभी कुपोषित बच्चे हो जाते हैं, तो कुपोषित बच्चे के कारण यहाँ पर ये डाटा भी दिए गए इसमें, तो 159 मिलियन जो बच्चे हैं, यानी कि 21% जो बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पर उस चुनौतियों को रोकने के लिए, बाल विकास करने के लिए यहाँ पर ये जो है पुस्तक लॉन्च की गई है। इसमें सारा कुछ दिया गया है, तो आप देख सकते हैं एम वेंकट नायडू के द्वारा जो है 4 सितंबर 2019 को विमोचन इसका किया गया था। तो यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स है, उसमें केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु जैसे 8 राज्यों में लागू की गई है और इसको ओपन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है ये बच्चों के कुपोषित यानी कि बाल विकास के लिए इसको बढ़ावा देना है, ठीक है, उनकी समस्याओं को, 6 साल से कम बच्चे इसमें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदल कर क्या रखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बनने वाला है। तो वोडाफोन ने जो नाम बदल के रख लिया है वो VI रख लिया है। अब वोडाफोन किसके साथ ही मर्ज हुई थी 2020 के जून में, तो 2020 के जून में ये मर्ज हुई थी आइडिया के साथ, ठीक है। अब क्या है कि जो वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम है, इन्होंने अपना नाम बदल के ये VI, ये आप टेक याद रख लें, बस टेक से आपको याद हो जाएगा VI, ये टुगेदर फॉर टुमारो इसकी टेक लाइन है, तो ये इन्होंने लॉन्च कर दिया गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये होगा कि जो वोडाफोन है इन्होंने नाम इसलिए बदला है कि कुछ ये कंपनी थोड़ा नीचे भी जा रही थी, आइडिया के साथ ये भी कर लिया तो भी इसकी इतने तरीके से नहीं चल रही जैसे एयरटेल और जियो जो यहाँ पर चल रहा है। तो ये आप टेलीकॉम कंपनी जो है जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदला है इन्होंने, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इस तरीके से नया नाम बदल के नई सुविधा यहाँ पर रखेंगे जो उनके ग्राहक हैं वोडाफोन और आइडिया के जो ग्राहक हैं उनके लिए, और उसको बेहतर बनाने के उद्देश्य से जो है इनका ब्रांड नेम बदला है, और शायद अब नई नई चीज़ें देखने को मिले। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदल लिया, VI इन्होंने अपना नाम रख लिया, टुमारो टुगेदर फॉर टुमारो। नेक्स्ट जो है किस राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के लिए स्पेरो सिस्टम लॉन्च किया, जो स्पेरो जो सिस्टम है वो लॉन्च किया है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, क्योंकि जो मनोज सिन्हा जो है वो आपके लिटुएंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, इन्होंने स्पेरो सिस्टम लॉन्च किया। अब स्पेरो सिस्टम है क्या, स्पेरो सिस्टम जो कि आपके IAS अधिकारी होते हैं, IAS अधिकारी के अलावा जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो अधिकारी होते हैं उनके काम की उनका जो काम करते हैं उनकी बेहतर निगरानी करने के लिए, और वो काम समय से काम पूरा हो जाए उनका। इसके अलावा उनको पारदर्शिता, उसमें पारदर्शिता उनका काम सही होना चाहिए, वो किसी प्रकार की मक्कारी तो नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से जो स्पेरो सिस्टम लॉन्च किया गया। इसमें ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ निगरानी की जाएगी, उनको बेहतर सुविधा भी दी जाएगी इसके थ्रू, स्पेरो ऑनलाइन के थ्रू। तो ये जो है वो आपका जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं अभी, वो मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया स्पेरो सिस्टम को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्या होगा कि स्पेरो प्रणाली जो है लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ देगा,
जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है उसके 1289 जो हैं, 1289 जो प्रशासनिक अधिकारी, जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हैं, उनको ये फायदा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है अब वो आपका दिग्गज अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में निधन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है वो फेमस थे, आप सबने साउथ इंडियन मूवी देखी होगी, तो उसमें जो ये कॉमेडियन भी थे और ठीक है, तो एक कॉमेडियन एक्टर थे। इसके बाद जयप्रकाश रेड्डी जो है 8 सितंबर को इनकी हाल ही में डेथ हो गई और उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। और ये किस फिल्म से, इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो हम आपको हमेशा बताते हैं जब भी डेथ होती है तो उससे रिलेटेड फील्ड उससे पूछी जाती है किस क्षेत्र से है और वो किस प्रदेश से। तो ये जो इनके फील्ड है, ये जो आपके जो तेलुगु एक्टर थे, कौन से तेलुगु एक्टर थे ये, तो तेलुगु अभिनेता जो थे जयप्रकाश रेड्डी, 8 सितंबर यानी कि कल इनकी डेथ हो गई थी। जो 74 वर्षीय जो आंध्र प्रदेश, कहाँ के हैं ये, आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश में भी कहाँ के, गुंटूर के। गुंटूर काय के लिए फेमस है, गुंटूर मिर्ची प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, अभी इनसे ट्रेन भी चली है हमारी बांग्लादेश और गुंटूर से, तो वो भी आपको याद रखना है। वे नरसिम्हा नायडू, संगसिम्हा रेड्डी, प्रभुचुकुंदम, ये इनकी जो है, ये आपकी जो है तेलुगु मूवी है सारी। कौन सी मूवी है, तेलुगु मूवी है, तो इन्होंने इसमें काम किया है। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्मों में जैसे रेडी में जो सलमान खान की मूवी और किक, ये दोनों में भी इन्होंने काम किया है। तो जो है जयप्रकाश रेड्डी, हाल ही में इनका डेथ हो गया 8 सितंबर 2020, तेलुगु एक्टर थे और ये आंध्र प्रदेश के हैं। 74 वर्ष की उम्र इनका निधन हो गया। तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस शहर की मेजबानी करेगा, तो इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम जो है, जो थर्ड एनुअल होने जा रहा है, इसकी जो मेजबानी करेगा वो हनोई करेगा। कौन करेगा, हनोई करेगा। अब हनोई क्या है, तो हनोई कहाँ है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये वियतनाम जो है, वियतनाम जो कंट्री है, जो आपकी पैसिफिक कंट्री है एक मान लीजिए, तो वहाँ पर जो है हनोई जो है उसकी वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम की कैपिटल है। अब ये वियतनाम की राजधानी में जो है वो आपका इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। ये 28 से लेके 29 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म से ही आयोजित होगा। ठीक है, कोविड-19 वजह से, तो 28 और 29 अक्टूबर को ये होगा, तब भी ये क्वेश्चन आएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम जो है, जो बेसिकली ये बेस्ड होता है जो आपके समुद्री जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समुद्री रक्षा के लिए, वहाँ पर निगरानी करने के लिए जो है, वो आपका जो इंडो पैसिफिक जो बिजनेस फोरम होता है वहाँ पर, यहाँ पर ये मीटिंग की जाती है ताकि समुद्री सुरक्षा को लेकर बात की जाए। ठीक है, तो ये हनोई में पुस्तकों के लिए कुछ कार्यक्रम है। ठीक है, आपको याद रखना है इतना ही। आपको इंडो पैसिफिक जो है अक्टूबर 28-29 कहाँ होने जा रहा है, हनोई में, वियतनाम में। निम्नलिखित किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण नीति 2020 जारी की है, तो जो इलेक्ट्रॉन हार्डवेयर मैन्युफैक्चर पॉलिसी 2020 है, ये लॉन्च की आपकी तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु राज्य ने, इनके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, इनके मुख्यमंत्री का नाम है एडप्पाडी पलनीस्वामी। ठीक है, तो 7 सितंबर 2020 को ये जो है नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण नीति लॉन्च की गई है, ताकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां होंगी, उनके उनके प्रोडक्ट्स जो होंगे उसको उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो इन्होंने जो टारगेट रखा है, वो रखा है 2025 तक हम जो है वो $100 बिलियन तक यहाँ पर उत्पादन करेंगे, $100 बिलियन तक यहाँ पर उत्पादन करेंगे, ये जो टारगेट रखा है 2025 तक रखा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये कहाँ की नीति है, ये जो है तमिलनाडु की नीति है। इनमें से कोविड-19 वैक्सीन भारत में सितंबर से चरण में 3 नैदानिक परीक्षण शुरू करने की निर्धारित की है। तो ये जो सितंबर 2020 तक जो थर्ड जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो भारत के अलावा कई देश में हो रहे हैं। तो ये जो है, ये वैक्सीन का नाम आपसे पूछा है, किस वैक्सीन का जो ट्रायल हो रहा है वो हो रहा है स्पुतनिक V का। स्पुतनिक V कहाँ की, ये आपकी रसिया की है। कहाँ की है, रसिया की है। तो रसिया क्या करने जा रहा है, रसिया जो है वो तीसरा ट्रायल यहाँ तीसरा चरण पूरा करने जा रहा है, जो कि आपने इससे पहले जो वैक्सीन आई थी उसका सही तरीके से पूरा नहीं किया था, 100 लोगों पे कुल यहाँ पर जांच करके इसको लागू किया। तो अब ये कहेगी हर देश में करने जा रहा है स्पुतनिक V का, और ये जो परीक्षण है भारत में भी हो रहा है, भारत के साथ अलग अलग देशों में भी होगा। तो कोविड-19 की वैक्सीन, इसकी जो पुष्टि की है वो 7 सितंबर 2020 को जो रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख है, जिनका नाम है किरिल दिमित्रिग ने ये घोषणा की है कि हम जो है तीसरा ट्रायल जो है इसका, तीसरा जो परीक्षण है, तीसरी जो स्टेज है, अब वो आपके इंडिया के अलावा अलग अलग देश में करेंगे। तो इस वैक्सीन का नाम आपसे पूछा गया था, तो स्पुतनिक V जो है इसकी वैक्सीन है, ये रसिया की है। विच अमोंग द फॉलोइंग कोऑपरेशन हैज एंडेड इट्स पार्टनरशिप विद चाइनीज फ्रॉम टेंशेंट गेम्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चाइनीज ऐप जो है धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं भारत में। तो पबजी हाल ही में बंद हुआ है, तो ये चीनी फर्म टेंसेंट गेम के साथ साझेदारी को समाप्त कर दिया, ये किया आपका पबजी ने। ठीक है, अब पबजी ने ऐसा क्यों किया, देखिए पबजी कॉरपोरेशन ने क्या किया, टेंसेंट क्या है, चीनी फर्म है,
तो आपने जब गेम आपने सभी ने खेला होगा, मैक्सिमम 90% लोगों ने अगर खेला हो तो उसमें सबसे पहले जो जो पेज आता है वो टेंसेंट का आता है, उसमें टेंसेंट लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? इस टाइप से टेंसेंट इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये चीनी फर्म है। तो ये क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं कि हम इसको आयोजित करा रहे हैं, ये फर्म होता है। तो इससे जो है समझौता यहाँ पर ख़त्म करने की बात हो रही है। तो पबजी कॉरपोरेशन ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए, कोई भी अगर भारत में इसको सबसे ज़्यादा, तो ये देखिए आप देखिए, अगर किसी भी गेम के सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं ना, तो वो इंडिया में ही मिलेंगे। चाहे वो टिकटॉक के यूज़र होते, चाहे इस गेम के यूज़र हैं, वो इंडिया में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा पबजी जो है इंडिया में खेला जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये टेंसेंट जो एक वर्ड जुड़ गया, आप बोल सकते हैं टेंसेंट जो चीनी फर्म जुड़ गया, उसकी वजह से जो है इसको बैन कर दिया गया था। तो इस टेंशन के साथ ये जो मताधिकार है इसका, जो ये इन्होंने जो पार्टनरशिप की थी, उसको यहाँ पे बंद करने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है जो चीनी जो फर्म होते हैं, जो टेंसेंट, वो कई गेमों का निर्माण, इन्होंने कई गेम जो है आपको प्ले स्टोर में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पबजी कॉरपोरेशन ने यह आगे बढ़ने के उद्देश्य से यहाँ पर, ताकि इंडिया में आगे चांसेस हो कि पबजी कॉरपोरेशन का आगे चांसेस हो कि इंडिया में ये फिर से चालू हो जाए, तो उस वजह से जो है वो टेंसेंट से इन्होंने समझौता यहाँ पर रद्द कर दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेसर बिच अमंग द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्सेस है डेवलप फीमेल डॉक्टर एट फॉरवर्ड लोकेशन एट लद्दाख फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। तो निम्नलिखित में से सुरक्षा बलों से किसने पहली बार लद्दाख में आगे आगे के स्थानों पर महिला डॉक्टरों को तैनात किया है? तो ये जो है आईटीबीपी है। कौन सा? आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, लेकिन ये सब जो है स्टेटिक जीके का पोर्शन है, इनको एक वीडियो में पूरे डिफेंस जो आपके एजेंसीज है, जो आपकी कैपिटल्स हैं, उनको हमको एक बार एक अलग स्टडी जीके का पोर्शन बना के सब बता देंगे। तो आप उसको नोट कर लेना, आप उसको याद कर लेना। ठीक है, तो महिला डॉक्टर को पहली बार यहाँ पे लद्दाख में यहाँ स्थापित, यहाँ पे जो है इनकी मदद के लिए, किसकी? आईटीबीपी की मदद के लिए, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की मदद के लिए महिला डॉक्टरों को रखा गया। तो यहाँ जो भी है, जो इनको प्रॉब्लम होगी, अगर इंजरी हो जाती किसी हमारे जो है पुलिस को, बॉर्डर पुलिस जो इंडो तिब्बत पुलिस को, तो वो उनकी देखभाल के लिए इनको रखा गया है। आईडीबी तो ये क्या है, महिला डॉक्टर को लेह से सेना भेजने से लेकर आगे की जगहों पर देखभाल करने के उद्देश्य से जो है सभी तरह के चार्ज भी दिए जाएंगे उनको, जो एक्स्ट्रा चार्ज भी यहाँ पर दिए जाएंगे अगर ये इनकी देखभाल करते हैं। तो ये जो वो बॉर्डर पे आईडीबीपी के लिए महिलाएं डॉक्टर यहाँ पर तैनात की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस देश के साथ AK-47/203 राइफल डील को अंतिम रूप दिया है? तो जो AK-47/203 राइफल रूप है, ये आपका है रसिया से। किससे? रसिया से ये डील है। तो रसिया से जो तो राजनाथ सिंह जो है इनके साथ जो मीटिंग हुई थी, वो हुई थी जनरल संगोई सोइंग की। किसकी? जनरल हैं रूस के, जिनका नाम है संगई सोइंग, इनकी मीटिंग हुई थी। तो इसमें जो है AK-47 के निर्माण के लिए क्या, अभी AK-47 तो आपने बहुत पहले भी सुनी होगी, तो इसको क्यों आयात कर रहा है इंडिया? इसको इसलिए कर रहा है कि इसका न्यू वर्जन आया हुआ है, न्यू ऐसा वर्जन आया हुआ है AK-47/203 राइफल का, कि ये जगह लेगा हमारी जो राइफल है, आर्म सिस्टम, जो भारतीय स्मॉल जो राइफल है जिसका नाम है असॉल्ट राइफल, जो है इसका नाम है इंसेंस 5.56x40 की जगह लेगा। तो आप सोच सकते हैं इसमें जो है नई चीज़ें की गई हैं, नई चीज़ें यहाँ पे 47/203 राइफल्स में कर दी गई हैं। अभी जो डील है, ये डील जो है अभी भारत को जो है कितने 7,70,000 की, अगर इसको अगर रिप्लेस करना है, इनसे इसको असल्ट राइफल को रिप्लेस करना है, तो AK-47/203 के यहाँ पर इनको 7,70,000 यहाँ पर इनको ये राइफल चाहिए होगी AK-47 की। तो 1,00,000 जो होगी अभी राइफल इनको मिल जाएगी रूस की तरफ से, रूस यहाँ पर 1,00,000 राइफल इनको अभी दे देगा। लेकिन जो बची हुई जो 6,70,000 है, तो ये जो है, ये जो उत्पादन होगा, ये होगा इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? इंडो रूस, ये दोनों कंपनी के द्वारा राइफल प्राइवेट लिमिटेड, जो बची हुई 6,70,000 का जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, फिर आपस में ये लोग जो है अब वो बांट लेंगे। तो अभी तो 1,00,000 हमको जरूरत है ज़्यादा, तो वो तो हम अभी ले ले जा रहे हैं रसिया से। ठीक है, तो यही चीज़ सब है इसमें। ठीक है, और ये बहुत बड़ी डील है, क्योंकि ये कितने 7,70,000 की डील होने वाली है। ठीक है, तो आपको ये याद रखें, रसिया से ये डील होगी। नेक्स्ट जो है, जिरी मेंजल हु पास्ड अवे इन सितंबर 2020 नाउ। तो सितंबर 2020 में जिरी मेंजल का निधन हो गया है। तो ये प्रसिद्ध क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका जो है, डेथ से क्वेश्चन ये बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि इनको ऑस्कर मिला हुआ है। हम पहले भी बोलते हैं, अगर किसी को अवार्ड दिया गया है, किसी ने अगर किसी टाइप का नेशनल अवार्ड जीता है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी हाल ही में डेथ हो गई। तो जिरी मेंजल जो है वो आपके फिल्म डायरेक्टर थे। कौन थे? फिल्म डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म थिएटर। तो ये जो लेखक थे, ये लेखक भी थे। अगर आपसे यहाँ पर लेखक ऑथर लिख जाए, तो ऑथर भी आपको लगा। तो लेखक और अभिनेता,
चोरी में एंजेल, ठीक है। तो इनका जो है गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों से लेखक भी थे, अभिनेता भी थे। तो आप लेकिन याद रखें डायरेक्टर जी ज्यादा थे, क्योंकि जो चीजें सर्विंग ज्यादा करता है, जो काम ज्यादा करता है, उसी का क्वेश्चन आपसे बनता है। तो फिल्म डायरेक्टर थे ये। तो इन्होंने क्या किया कि जो जोरी में जिन्हें गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों से जूझने के बाद इन्होंने 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो याद रखना 82 वर्ष से चेक गणराज्य के थे ये, क्या थे आपके फिल्म डायरेक्टर थे, और इनका जो है गंभीर स्वास्थ्य के मुद्दों से वजह से, मतलब स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो फीचर फिल्म इन्होंने क्लोजली वॉचिंग ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप फिर से एक बार हम बता देते हैं। क्लोजली वॉचिंग ट्रेन जो है ये इनकी मूवी थी, एक फीचर फिल्म थी 1968 में। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए इनको ऑस्कर मिला है, एकेडमी पुरस्कार मिला है। तो इसलिए इनका जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपसे ये पूछे हाल ही में जीरी मेंजल का निधन हुआ है तो उनको कब, किस फिल्म मूवी के लिए जो है इनको ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। आपके 4 ऑप्शन होंगे तो 4 ऑप्शन में आपका एक क्या होगा, क्लोजली वॉच ट्रेन होगा। तो कहीं से भी क्वेश्चन बने हमको तैयार होना है। उनका जन्म 23 फरवरी 1938 को चेकोवल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखें चेकोस्लोवाकिया में हुआ था इनका, ठीक है। 20 क्वेश्चन ये है कि द ऑर्गेनाइजर बीच टूर्नामेंट हैव डिसाइडेड टू अलाउ स्पेक्टर अमिद कोविड-19। तो हाल ही में कोविड-19 के बीच किस टूर्नामेंट को आयोजक, यानी जो दर्शक होते हैं उनके साथ ही यहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो ओपन टेनिस टूर्नामेंट है वो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है। तो फ्रेंच ओपन टेनिस, देखिए अभी जो है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट ही हो पाया था जनवरी फरवरी, उसके बाद कोविड-19 सब लॉकडाउन हो गया, तो उस वजह से जो है अब फ्रेंच ओपन बचा था इस साल, क्योंकि विंबलडन जो है और यूएस ओपन जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बंद हो गया। तो फ्रेंच ओपन 1891 में, देखिए 1877 में विंबलडन, 1877 में विंबलडन सबसे पुराना विंबलडन है। इसके बाद 4 साल बाद 1881 में कौन सा, यूएस ओपन। 1881 में क्या, यूएस ओपन। इसके 10 साल बाद 1891 में, 10 साल बाद 1891 में कौन सा, फ्रेंच ओपन। कौन सा, फ्रेंच ओपन। और सबसे नया कौन सा है, 1905 का, 14 साल बाद 1905 का कौन सा है, 1905 का है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ओपन टेनिस टूर्नामेंट की वीडियो में। तो 7 सितंबर 2020 को ये पुष्टि कर दी गई है कि कोविड-19 मामलों के बीच जो है हम फ्रेंच ओपन को यहाँ पर खेलेंगे, और इसमें स्टेडियम में दर्शक भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो याद रखना है फ्रेंच ओपन। अच्छा ये किसको, विंबलडन, देखिए क्ले कोर्ट क्या है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। कौन सा आपका, फ्रेंच ओपन, ये क्ले कोर्ट है आपको, देखिए लाल मिट्टी जो होती है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले यानी मिट्टी होता है, ठीक है। इसके अलावा डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन सा क्ले, कौन से कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये वीडियो आपका यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। जय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।